बर्थडे विश करो। एवरीवन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो पूरी जाने की तैयारी हो गई है, मैं रेडी हो गई हूँ, सामान पैक हो गया है, सोफे भी कवर हो गए हैं, शॉरी भी रेडी हो गया है। तो बस अब हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और हमारी जो फ्लाइट है वो है 4 o'clock की, बट थोड़े टाइम पहले जाना पड़ रहा है और यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से ना एक वेब चेकिंग हो रही है, तो हमें मतलब बोर्डिंग पास यहीं पे मिल गया है, तो वहाँ पे लाइन भी लगाने का कोई टेंशन नहीं है। तो चेक इन ऑलरेडी हमने कर ही लिया है, बस अब निकलना बाकी है, तो बस अब जा रहे हैं। शर डैडी का मास्क दे दो। आपका कहाँ है आपका मास्क? आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया। शर आप भी करो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड अपने फोन में। बस आप सब अपना मास्क दिखाते रह करो। हल्क हल्क लगाओ। एयरपोर्ट पे आ गए, सिक्योरिटी चेकिंग भी कर लिया है एयरपोर्ट पे। बहुत ज़्यादा मतलब प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छा भी है। देखो हमें फेस शील्ड्स मिल गई हैं, मास्क मिल गया है और सारे लोग जो हैं यहाँ पे पुलिस लगी हुई है, कोई भी बिना मास्क के यहाँ पे नहीं घूम सकता है। और जब हम बाहर से आए थे तो हमारे बैग्स भी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज हो रहे थे, तो बहुत ही अच्छा सेफ्टी है यहाँ पे। तो अच्छे से अब फिर भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस तो लेनी ही पड़ेंगी। तो अभी हमने चेक इन तो कर लिया है, बट अभी आगे जो सिक्योरिटी चेकिंग है वो अभी रह गया है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए ये फेस शील्ड लगाना पड़ेगा। तो अभी बस यहाँ थोड़ी देर वेट करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे। आपका मास्क तो बड़ा क्यूट है, चलिए इस पर क्रॉस बना है, आपको इस पर नहीं बैठना है, आपको इधर बैठना है। चलो आओ जल्दी शील्ड पहनो। देखो ये क्या है, न्यू धुंधला दिख रहा है यार, मुझे लग रहा है आपने ठीक से नहीं निकाला। एक तो शौर्य का आज मास्क भी देखना। शौर्य को ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। दिल्ली आ गया, थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी ठंड है यहाँ पर। मैंने जैकेट पहन ली है, शौर्य को भी पहना दिया है। सो अभी बस घर निकलेंगे अब तो, एंड मुझे मुरैना पहुँचने में भी 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो गाड़ी बुला ली है, क्योंकि ट्रेन व्रेन का तो कुछ सिस्टम यहाँ भी समझ में नहीं आता है कोरोना में, तो गाड़ी बुला ली है, अभी से जाएंगे, अभी देखते हैं। डबल बोलो शौर्य, हल्ला बोल यार। एम्बियंस खुला है क्या? खुला है, डाबी से चलो ऐसे ही करो यार। मॉल में वही ना, पार्किंग करो फिर उसके बाद रुको, फिर चढ़ने में इतना टाइम। अभी भूख लग रही थी, एक ढाबे पे रुके हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे थे, तो जाते मैं घर जाते मैं एक ढाबा मिला है, राव ढाबा, हाँ वहाँ पे हम रुके हुए हैं, तो अभी वहाँ पे हम डिनर करेंगे। आजकल के एम्बियंस भी अच्छा है, ढाबे जैसा लग ही नहीं रहा। Thank you.
अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock, मैं जस्ट अभी उठी। नाइट में बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई थी, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने घर आके, बिकॉज वहाँ पे मुझे अकेले रह के ना मैं इतनी बोर हो गई थी। एंड कोरोना की वजह से ना 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था मैं अपने मम्मी पापा से मिल नहीं पाई थी। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ घर एंड मैं सबसे मिल ली थी तो नाइट में ही, तो उसके बाद आके मैं सो गई। अब जस्ट उठी हूँ, चाय वाय पी है मैंने एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे घर पे। वो नैन्सी का बेटे, नैन्सी को प्यार कर लो। नहीं वो खेती कर रहा है। कट्टी कर रहा है? नहीं कट्टी करता है शुना, नैन्सी को बोलो उस पे सो जाओ। शोरे नैन्सी से, नहीं 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 गुस्सा नहीं करते, शोरे प्यार से बोलो नैन्सी प्लीज गुड मॉर्निंग शौर्य, आज उठते से ही ना खतरनाक हो रहा है। अच्छा रुको, क्या चाहिए शौर्य? डैडी, शौर्य को डैडी चाहिए। हैप्पी बर्थडे डियर शैली, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। उठ जाओ, देख मैं तेरे बर्थडे पे कितनी जल्दी उठ गई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू मौसी। गले लग के करो, हागी कर लो मौसी को। उसका पूरा का पूरा ध्यान केक पे है ना इस टाइम, कट कर दो। Happy birthday Shelly, happy birthday to you, happy birthday dear Shelly, happy birthday to you, Jorge, happy birthday. सो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे। सो मेरा जो ब्रदर था सिस्टर था वो अपने घर चले गए वहाँ से, एंड मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे तो मैं आ गई थी ससुराल। शौर्य अभी अपने डैडी के साथ खेल रहा है। आज सुबह से ना बहुत ही हैक्टिक हो गया, एंड सुबह उठी, देन उसके बाद फिर केक कटिंग सेरेमनी, देन शॉपिंग, एंड शॉपिंग भी हमने ग्वालियर आके की। तो मुरैना से ग्वालियर 1 घंटा लगता है आने में, उसके बाद ग्वालियर आए, एंड यहाँ पर रात भी बहुत जल्दी आजकल हो रही है बिकॉज 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो अभी जस्ट मैं अभी आई हूँ एंड शौर्य खेल रहा है अपना।